हे गाइस, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Oppo Reno 6 सीरीज़ के बारे में। तो यार ये जो सीरीज़ है बेसिकली इसमें आपको तीन फ़ोन जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं और ये जो सीरीज़ है 27 ऑफ द सेम मंथ लॉन्च होने वाला है चाइना में। उसके बाद हमें ये तीनों ही सीरीज़ यानी जो सीरीज़ है तीनों ही फ़ोन्स हमें यहाँ पे इंडिया में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसे कि हमें Oppo Reno 5 सीरीज़ के टाइम पर देखने के लिए मिला था। तो यार ये जो फ़ोन है बहुत ही एक्साइटिंग है और जैसा कि मैंने आपको बताया 27 मई को जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। ऐसा में आपको क्या स्पेसिफिकेशन इन फोन्स में देखने के लिए मिलती है और क्या रहने वाली इन फोन्स की प्राइस। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं Oppo Reno 6 के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 900 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा और इसी के साथ में ही ये दुनिया का पहला ऐसा फ़ोन बन जाता है जिसमें आपको Dimensity 900 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करूँ अगर Oppo Reno 6 Pro के बारे में तो यहाँ पे आपको है MediaTek Dimensity 1200 SoC देखने के लिए मिलने वाला है। और वहीं अगर मैं बात करूँ Oppo Reno 6 Pro Plus के बारे में तो यहाँ पे आपको Snapdragon की तरफ से आने वाला 870 का पावरफुल SoC देखने के लिए मिलने वाला है। बात करी जाए भाई तीनों ही फ़ोन्स की बैटरी के बारे में तो भाई आपको तीनों ही फ़ोन्स में जो है बैटरी और जो चार्जिंग है वो बिल्कुल सेम मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 4500 mAh की एक ह्यूज बैटरी मिलेगी जिसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में ही 65W का जो है चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आगे बढ़ के बात करते हैं भाई इन फ़ोन के मेन हाईलाइटिंग फीचर के बारे में यानी कि तीनों ही फ़ोन्स के कैमरे के बारे में। तो भाई आपको यहाँ पे Oppo Reno 6 में जो है 64 MP का ट्रिपल जो है कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ Oppo Reno 6 Pro के बारे में तो यहाँ पे भी आपको अगेन 64 MP का प्राइमरी सेंसर मिलेगा बट यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। और वहीं अगर मैं बात करूँ Pro Plus के बारे में तो यहाँ पे आपको 50 MP का प्राइमरी सेंसर मिलेगा Sony IMX 766 और ये जो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आपको भाई 16 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा, 13 MP का आपको एक टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा और 2 MP का आपको मिल जाएगा डेप्थ। बात करी जाए भाई तीनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको तीनों ही फ़ोन्स में जो है 32 MP का भाई सिंगल शूटर ही देखने के लिए मिलने वाला है। बट फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि भाई जो Oppo Reno 6 Pro Plus है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जो Reno 6 Pro Plus है यहाँ पे आपको जो है कर्व्ड स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी और बाकी दोनों फ़ोन्स में आपको फ्लैट स्क्रीन जो है देखने के लिए मिलने वाली है। बात करी जाए भाई इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में तो आपको भाई तीनों ही फ़ोन्स में अगेन 6.5 इंचज़ की सेम फुल HD+ वाली OLED पैनल देखने के लिए मिलेगा अलॉन्ग विद 90Hz रिफ्रेश रेट। बट अगेन मैं आपको यहाँ पर बता दिया कौन से फ़ोन में जो है आपको कर्व स्क्रीन देखने के लिए मिलने वाली है और कौन से फ़ोन में आपको जो है फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। भाई तीनों ही फ़ोन्स में आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई तीनों ही फ़ोन जो है 27 मई को चाइना में लॉन्च होने वाले हैं। उसके बाद हमें ये जो तीनों ही फ़ोन्स हैं वो इंडिया में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको अगेन एक चीज़ बता दूं कि भाई सेम डे यानी 27 मई को ही अपने चैनल पे आपको जो है अनबॉक्सिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको देखने के बाद Oppo Reno 6 सीरीज़ के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।